सर, जिस प्रकार से मैं कल से देख रहा हूं कि महामहिम ने जिस प्रकार राज्य सरकार का जो अभिभाषण पढ़ा महोदय, हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार का आईना उन्होंने पढ़ने का काम किया। उसी आईने में महोदय भाजपा को अपना चेहरा देख लें, सारी बातें उनको समझ में आ जाएगी। महोदय, कल जिस प्रकार महामहिम ने भाषण दिया महोदय, मैंने कहा था कि हमें साउथ इंडियन से कोई नफरत नहीं है। हम साउथ इंडियन जाते हैं महोदय, वहां का कल्चर को हम पसंद करते हैं, वहां के लोगों को हम पसंद करते हैं, वहां का रहन सहन खान पीन हम सब कुछ पसंद करते हैं महोदय। तो आखिर ऐसा क्या है महोदय कि हमारे जो राज्यपाल हैं उनको झारखंडी लोग पसंद नहीं है, उनको आदिवासी पसंद नहीं है, यहाँ के मूलवासी उनको पसंद नहीं है महोदय। निश्चित तौर पर लगता है कि एक तानाशाह झारखंड में आया है महोदय, और अपने तानाशाह के कारण झारखंड की भावनाओं को, यहाँ के आदिवासियों की भावनाओं को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है महोदय। हमारे कस्टोडियन है, विधानसभा सहित पूरी सरकार उनके अंदर अंतर्निहित है। उनके भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सरकार की ओर से स्टीफन दा ने रखा है, उस पर चर्चा हो रही है, और इस सदन में उनके मान सम्मान उनकी मर्यादाओं का तार तार सरकार के पक्ष के लोग कर रहे हैं। पहले उनको तानाशाह तक कभी बता रहे हैं, उनके जितने भी आप इससे बदतर और क्या हो सकता है, और झारखंड विधानसभा इस चीज को मुख दर्शक बनकर के सेक रहा सोच रहा है। अभी तक उनकी दिशा दम है तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ो ना। एक निर्व्यक्तिक व्यक्ति जो बैठा हुआ है वहां पर, वो अपने से कुछ बोल नहीं सकता है, अपने से कोई आप उसके ऊपर लगाए गए एलिगेशन को बोल नहीं सकता है, उसके ऊपर क्यों कर रहे हो? यदि करना है तो भारतीय जनता पार्टी, दम है तो भारतीय जनता पार्टी को बोलो, हम लोग बोल रहे हैं। चलिए, लेकिन संविधान के मर्यादाओं को ध्यान में रख करके, गवर्नर की मर्यादाओं को ध्यान में रख करके, और इस विधानसभा के मर्यादा को ध्यान में रख करके, उन तमाम शब्दों को स्पंज कराइए, स्पंज कराइए, और आगे के बच्चों पर ध्यान रखिए। आप बोल रहे हैं कुछ, बोलिए। संविधान प्रमुख के दायित्व पर बैठे हुए अध्यक्ष महोदय, संविधान प्रमुख के दायित्व पर बैठे हुए और सदन के अंदर उसको तानाशाह का संज्ञा दिलवाया जा रहा महोदय, उसको स्पंज तो कराइए महोदय, अध्यक्ष महोदय उसको स्पंज तो कराइए। क्या बोल रहे हैं? अरे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि कस्टोडियन है राज्य के, तो जिस समय माननीय मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ और हम लोगों ने 43 विधायकों का हस्ताक्षर युक्त समर्थन पत्र दिया कि हमने अपना नेता चुन लिया है, हमने माननीय चंपाई सोरेन जी को अपना नेता चुन लिया है, आप उन्हें शपथ ग्रहण कराएं, यही बिहार में 4 घंटे में इस्तीफा भी होता है और 4 घंटे के अंदर सरकार भी बदल जाती है, शपथ ग्रहण भी हो जाता है। क्या कारण था कि 40 घंटे लगे इन्हें आमंत्रित करने में? जो चुने हुए, जो हमारे बहुमत की सरकार, बहुमत के साथ हम लोगों ने अपना नेता चुना था, इसका जवाब दे दे, इसका जवाब दे दे महामहिम का गवर्नर हाउस, इसका जवाब दे दे कि 40 घंटे क्यों लगा। हम एक उंगली नहीं उठाने का काम करेंगे, लोकतंत्र की हत्या इन लोग पिछले दरवाजे से करते हैं, इसका जवाब दे कि 40 घंटे क्यों लगा। महोदय, मेरा ये कहना है, संवैधानिक संस्थाओं पर और संवैधानिक वैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उस पर अगर बात करना चाहते हैं तो बात करने के लिए बहस का विषय रख दें। और जहां तक राज्यपाल के विवेक का प्रश्न है, इसी झारखंड में आपको सैयद सिप्टे रजी महामहिम राज्यपाल हुआ करते थे, उनका दौर याद होगा। बड़ा दल बीजेपी होते हुए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी को बुला करके उन्होंने शपथ दिलाया था, और 13 दिन में सरकार चली गई थी। उनको मालूम नहीं है क्या संविधान मर्यादाओं का कैसे तार तार किया जाता है? इसको सर, एक क्या बावरी जी बारी ना सर देखिए सर, आगे बढ़ सर, आगे बढ़ सर, देखिए सारा चीज सामने, आप आगे बढ़ सर, देखिए मैं कहना चाहता हूँ सर, देखिए बोल दिए यार ज्ञान सर, आप तो बोल रहे सर, क्या है सर, आप दाना सा सब कुछ चला जाएगा सर हमारे पीछे, बोलिए सर। मैं ये कह रहा था सर, देखिए जहाँ तक मेरी जानकारी है सर, हम लोग पढ़े लिखे हैं सर, महामहिम का अपना दायरा है सर, जो बातें अमर बावरी जी कर रहे हैं हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं सर महामहिम का, लेकिन सर अफसोस तब होता है सर जब बिहार में सरकार बनती है महोदय, जब महाराष्ट्र में जब सरकार बनती है, 3-3 घंटे में महोदय इस्तीफा दीजिए और सरकार बना लीजिए अध्यक्ष महोदय, और हमारी सरकार महोदय 3-3 दिन, एक मिनट सर देखिए, जब 3-3 दिन तक
हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारे पास प्रचंड बहुमत है और हम लोग भीख मांग रहे हैं। ऐसा लग रहा है महोदय, यहाँ की झारखंड की जनता को लग रहा था महोदय कि महामहिम जो है वो बैठे जरूर है महामहिम के पद पर महोदय, लेकिन उनका जो ऑफिस चला रहा है भाजपा कार्यालय महोदय, इसका अफसोस है हम लोगों को महोदय। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ भाजपा ऑफिस अगर कार्यालय चला गया महामहिम को, अफसोस होगा महोदय। इसलिए मैंने कहा महोदय, तो निश्चित तौर पर महोदय हम महामहिम का सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं था। कल की जो घटना घटी महोदय, आप देखे होंगे महोदय कि मुझे ये लग रहा, मुझे फील हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा आदिवासियों का दुश्मन है महोदय, दलितों का दुश्मन है और आदिवासी मूलवासियों का दुश्मन है महोदय, और अल्पसंख्यक तो है ही महोदय। आप देख सकते हैं महोदय किन किन बातों पर चर्चा किया। अमर बाहुरी जी नए नए आए हैं महोदय, हमने कहा था कि महोदय पहले भी हमने कहा है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है महोदय, याद रखिएगा, नया मुल्ला ज्यादा कच्चा प्याज खाता है। हमें लगता है अमर बाहुरी जी ऐसे बन गए। आपको पहले अपना इतिहास देखना चाहिए, आप पहले सेकुलर पार्टी से आए, आपको दलितों ने वोट दिया, आपको आदिवासियों ने वोट दिया, आपको हमारे मुस्लिम समाज ने वोट देकर आपको विधायक बनाया, आप पाला बदल लिया, आज भाजपा का गुण गा रहे, आज आपको बाबा भीमराव अम्बेडकर जी याद आ रहे। निश्चित तौर पर महोदय इतिहास की जानकारी को नहीं है, और आज मैं कहना चाहता हूँ अगर कांग्रेस ने बाबा भीमराव जी को सम्मान दिया महोदय, पहले वो व्यक्ति थे महोदय राष्ट्र, उनको सांसद यदि कोई भेजा महोदय तो मुसलमानों ने भेजा महोदय, आज क्या बात करेंगे महोदय। ये भाजपा के लोग उस समय उनका जन्म भी नहीं हुआ था।